हिंदुको ऑपरेटिव बैंक के सीईओ अमन मेहता द्वारा गत दिन प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बैंक होने के बावजूद भी पंजाब सरकार द्वारा ये स्कीम खासकर डिफॉल्टरों के हक में चलाई जा रही है। इस स्कीम से अगर डिफॉल्टर अपना पैसा बैंक को डिपॉजिट करवाते हैं तो एक तो उन्हें रिबेट मिलेगा, दूसरा बैंक की रिकवरी जल्दी हो सकेगी, वह बैंक दोबारा पैरों पर जल्दी खड़ा हो पाएगा। इसलिए उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। इस अवसर पर उनके साथ राजू मनकोटिया, विकास महेंद्रू, जगदेव सिंह, राजीव सिंह, संदीप महाजन भी उपस्थित रहे। सर, लगभग 1.5 साल के बाद वन टाइम सैटलमेंट स्कीम दोबारा पंजाब सरकार ने इंट्रोड्यूस की है बैंक में रिवाइव करने के लिए। श्री संयम अग्रवाल जी इस वे जो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर रहे उन्होंने मार्गदर्शन के आई है। पंजाब सरकार ने यह जी वन टाइम सैटलमेंट स्कीम दी है तो बैंक स्पैसीफिक दी है। बैंक स्पैसीफिक मीनस बैंक के जोड़े बोरवरस है जोड़े रीपे नहीं कर सके, छोटे बोरवर तो लैके व्डे बोरवर तक सब की जरूरत में मद्देनजर रखते हुए शेयर होल्डरस, डिपोजिटर, इंपलाइज सब के हितों मद्देनजर रखते हुए यह स्कीम दिती है, जी कि बहुत ही लिबरल एक बीइंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण भी बहुत लिबरल पॉलिसी दिती है, जिसे जेड़े कोई साढ़े डिफॉल्टर्स अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करना चाहते हैं वो इस वे गोल्डन ओपरचुनिटी है, वह फायदा लैके बैंक में मुड़ सजीव करने के अपनी बड़ी अहम भूमिका निभा सकते। तो बैंक में पूरी उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ 30 जून जिहड़ा कि इहदे फ्रेमवर्क दिता दा रिपेमेंट का बैंक अपने पैरों के उत्ते पुनः स्थापित हो जाएगा तो बैंक दोबारा वर्किंग शुरू करेगा। तो डायरेक्शन लिफ्ट करने लिए रिजर्व बैंक ने बड़ा स्ट्रोंग केस अपना भेजने से समर्थ हो। टोटल 4 किश्त, पहली 30% जी प्रिंसीपल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 30 नवंबर 2020, उस तो बाद बाकी जड़ियाँ 3 इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी मंथली इंटरवल के उत्ते 30 अप्रैल, 30 मई एंड 30 जून। लगभग 175 के अराउंड साढ़े डिफॉल्टर है तो एन पी ए की अमाउंट 61 करोड़ है। मैम ऐसा कि जो रिकवरी का प्रोसेस है ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ही एनफोर्स कर सकते हैं, रिपे ना करना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो थ्रू सिविल मैटर्स ही प्रस्यू कर सकते हैं, वो चल रहे हैं। ऑलरेडी जितने बैंक के पास अवेलेबल चैनल्स हैं रिकवरी के बैंक सभी एग्जॉस्ट कर रहे हैं। 31 मार्च 2021 लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, तो अप टू 30 जून ये रिपेमेंट करनी है सारी इंस्टॉलमेंट्स की जो भी सैटलमेंट अमाउंट वर्कआउट होंगी।